थैंक यू यार, इसकी बहुत जरूरत थी अभी। अच्छा मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूं। क्यों? आपका हाथ बटाने के लिए और किस लिए? उसकी जरूरत नहीं है, तुम पहले ही घर के सारे कामकाज संभाल रही हो, तुम कैसे मैनेज करोगी? और वैसे भी मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, उसके साथ साथ कोई पार्टनरशिप कर लेता हूँ, मेरे एक दोस्त का नेट कैफे है, मैं सोच रहा हूँ उसके साथ मिलकर काम करूँ, जब पैसे जमा हो जाएंगे तो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन उसके लिए तो लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो अम्मी ने कहा है ना कि ये घर बेच देते हैं हम। घर बेच देते? हारूना बाहर जाने के लिए अपना घर बेच देंगे? तो मैं तुम्हें इससे बड़ा और शानदार घर बना के दे दूंगा ना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? और देखो एक बार रिदा की शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम लोग बाहर सेटल हो जाएंगे। हाँ अच्छी बात है ना, हमारे बच्चे भी वहीं पले बढ़ेंगे। हारून प्लीज, ऐसे ख्वाब मत देखें जिनकी ताबीर नामुमकिन हो। यार तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? अच्छा खैर, मैं आपसे अपनी जॉब के बारे में बात कर रही थी, आप पता नहीं बात को कहां से कहां ले गए। नगीन बुरा मत मनाना, लेकिन तुम्हें इतनी कम क्वालिफिकेशन के साथ कहां नौकरी मिलेगी? पहले भी तो मिली थी ना यार। नगीन मैं तुमसे क्या कहूं, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन मैंने अपने बॉस से बात की थी तुम्हारी नौकरी के लिए, वरना शायद तुम्हें वो नौकरी ना मिलती। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं घर पे बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा सकती हूँ ना, लेकिन अगर आपको एतराज़ ना हो तो? मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, तुम देख लो, तुम अगर मैनेज कर सकती हो तो। मैं मैनेज कर लूँगी, मैं इनफैक्ट कल ही बाहर बोर्ड लगवा देती हूँ। ठीक है। भाई घर कम और स्कूल ज्यादा लगता है ये। मैंने तो सोचा था कि रिदा की जल्द से जल्द शादी कर दूं, तुम्हारी बीवी ने तो उसको भाई पढ़ाने पे लगा दिया ट्यूशन है। चले अच्छी बात है ना, घर फारिग बैठी हुई थी, अब कम से कम कोई काम तो कर रही है। 3 बजे आते हैं बच्चे घर में और शाम 6 बजे तक शोरगुल रहता है, तुम्हारी बीवी ने घर को स्कूल बना के रखा। अम्मी जी अभी तो उन्होंने काम शुरू किया है और पैसे भी तो कमा रही हैं, आप देखिएगा जैसे काम थोड़ा बढ़ जाएगा ना और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बेटा लेकिन मैं ना जल्द से जल्द रिदा की शादी करना चाहती हूँ, रिश्ते वाली को अभी तक 80,000 रुपये दे चुकी हूँ, मगर मजाल है जो कोई ढंग का रिश्ता बताया हो उन्होंने। आप ये रिश्ते वाली औरतों के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो वालों से बात करें, उनके पास अच्छे रिश्ते होते हैं। आए थे 2-3 रिश्ते अच्छी फैमिली से भी आए थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बहन को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपकी बहू का तो कोई मैका ही नहीं। इसी वजह से इस लड़की से शादी के खिलाफ थी मैं, मुझे पता था कि लोगों के ताने ही सुनने पड़ेंगे मुझे सारी उम्र। हाय हाय, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारी और रिदा की शादी के लिए, कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी खानदानी बहू लेकर आऊंगी। खानदानी बहू? खानदानी बहू, खानदानी बहू क्या हो गया है आपको? कितनी बार कहा है ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल किया करें। अम्मी इतने अरसे के लिए किसी ने कोई पालतू जानवर भी अपने घर में रखा हो ना तो उससे भी प्यार हो जाता है, वो तो फिर इंसान है जिसके बारे में आप ये सब कहती हैं, और वो बेचारी सारा दिन आपकी सारी कड़वी बातें सुनती है, लेकिन आपके अंदर का जहर निकलता ही नहीं है। जहर नहीं, मैं सब्र के घूंट पी रही हूँ। 8 माह हो गए शादी को, अभी तक तुम्हारी बीवी ने कोई खुशी की नवीद नहीं सुनाई है, और मैं एक ऐसी लड़की को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ ना तो जिसका कोई मैका है और ना ही कोई पूछने वाला है। और तुम मुझसे ये तवक्को मत रखना कि तुम्हारी लाडली बीवी को मैं सर पे बिठा के रखूंगी। मनहूस मारी। कितनी बार कहा है उसे मनहूस मत कहे। मनहूस ना कहूं तो फिर क्या कहूं? ये नहूसत ही तो है, हमारे घर की खुशियों को खा गई एक एक करके। देख लो रिदा का रिश्ता नहीं हो रहा, तुम्हारी तरक्की होते होते रह गई और हमारे माली हालात पहले से भी बदतर हो गए, और तुम कहते हो कि उसे मनहूस ना कहो, ये नहूसत ही तो है। देखो मैंने कई बार उससे कहा कि मेरे साथ लेडी डॉक्टर के पास चलो चेकअप करवा ले, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया।
हारून मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, वो तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं सुनने देगी और औलाद की खुशी को तुम तरसोगे, याद रखना मेरी बात। लड़की के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता।